हमारे मित्र रतन जी देवासी जी यहाँ उपस्थित, सुरेश जी धनपुरा जी, बिरबल विश्नोई जी, रूप जी पुरोहित, प्रेम जी जयपुरा, मंगल सिंह जी राजपुरोहित, शंकर जी, नरेंद्र जी, प्रवीण जी, जगदीश जी, नानजी भाई, राकेश राजपुरोहित जी, सभी दोस्तों और साथियों, रतन जी राजस्थान में चुनाव होता है तो ऐसा लगता है कि मीरा भयंकर में चुनाव हो रहा है। परसों ही मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अविनाश पांडे जी जो आपके अभी प्रभारी हैं नागपुर से, वो और हम महाराष्ट्र में एक साथ के लोग हैं। परसों रात में उन्होंने मुझे फोन किया, उनसे कहा कि मुझे भरवाई आ जाओ, 25 से लेकर 7 तारीख तक आपकी ड्यूटी वहाँ है। मैंने कहा आप मुझे वहाँ काहे के लिए बुलाते हो, 700 किलोमीटर दूर, मैं आपकी ड्यूटी यहीं पूरी कर रहा हूँ। इतना बड़ा 36 कौम के लोग, प्रवासी समाज मुंबई में, और विशेषतः मीरा भयंदर में, मुंबई दक्षिण के बाद में सबसे बड़ा जो लोकवस्ती है राजस्थान के लोगों की, वो मीरा भयंदर के अंदर। व्यापार करने आप इतने दूर से आए, शांतिपूर्वक व्यापार करते हो, व्यापारी वर्ग है। अब व्यापारी वर्ग अच्छे से जानता है कि बैलेंस शीट में फायदा और नुकसान 5 साल में कितना हुआ है। अच्छा फायदा चल रहा था, मगर व्यापारी को इच्छा रहती है कि भाई ज्यादा मुनाफा हो जावे, तो सोचे भाई नया कंपनी के चेयरमैन को नया बना देवे। तो शेयर होल्डर लोगों ने, सबने जो है चेयरमैन ने जितने आश्वासन दिए, वो सब को बात को उन्होंने सच्चा समझा, और अभी 4 साल की जैसी बैलेंस शीट आई है तो समझ में आ गया कि भैया ये तो मुद्दल भी गायब हो गया। नया मुनाफा, ज्यादा मुनाफा तो दूर की बात रही, जो मुद्दल था व्याज भी गया, मुद्दल भी गया। तो व्यापारी वर्ग है बहुत अच्छे से समझता है, भले किसान क्यों ना हो, मगर राजस्थान का आदमी रुपये की कीमत को जानता है। देश में जो माहौल बना है, केंद्र की जो सरकार है, आदरणीय पंत प्रधान जी जो आश्वासन उन्होंने दिया, कितने आश्वासन उन्होंने पूरा किया, ये आप लोग अच्छी भली भांति जानते हो। 15 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में आए नहीं, लेकिन जो आपके अकाउंट में थे वो जीएसटी के माध्यम से वो भी चले गए। अब चले गए तो चले गए, उसके बावजूद जीएसटी वाले रोज आपके दुकान पे आके बैठते ना, बोलते अभी और ये बाकी है, ये अभी डिक्लेयर करो, अभी ये करो, अभी ये करो। इनकम टैक्स वाले भी घूमते रहते हैं। जो 1 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर चला गया वो तो आया नहीं, लेकिन लोगों के अकाउंट में जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। मतलब ये हकीकत है। रतन जी मैं अभी गणपति से लेके अभी दिवाली तक तकरीबन 2000 परिवारों में गया। पिछले साल भर मेरी दो स्पाइन की सर्जरी हो गई, तो साल भर ऑलमोस्ट मैं हॉस्पिटलाइज था। अभी भगवान की कृपा से अगस्त से बाहर निकला, तो 2000 परिवारों को मैं हमेशा मिलने जाता हूँ, गया हूँ। लोगों ने बिल्कुल कान पकड़ा, छोटे से छोटा व्यापारी, छोटे से छोटा दुकानदार, नौकरी करने वाला इंसान, मतलब जिसके घर में 4 आदमी नौकरी पे जा रहे थे, आज कोई जाता, 2 जन को नौकरी पिछले साल 2 साल से नौकरी नहीं। दुकानदार ने जिसने 4 नौकर दुकान में रखता था काम करने के लिए, 2 को बोल दिया भैया मैं नौकरी नहीं दे सकता हूँ, आप गांव चले जाइए। व्यापारी, बिल्डर, स्टेट एजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। और पता नहीं कि ये कहा जाता है कि वो खून में जो होता है ना, वो रंग लाता है, वो दिखता है। तो जैसे आपने बताया कि आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है भाई हफ्ता वसूल कर रहा है, ये खेत के ऊपर कब्जा कर रहा है, या दारू का ठेका ले लिया है, वही हाल हमारे शहर में भी है। यहाँ के विधायक की भाभी महापौर, भाई नगर सेवक, दूसरा भाई ठेका देता है, तीसरा भाई हफ्ता लेता है, चौथा भाई इंडस्ट्री तोड़ता है, पांचवा भाई छपरा बना रहा है तो उसका हफ्ता वसूल करता है। वो जैसे खानदान में बोलते रहे पिताश्री होता है, वही रूप रंग बच्चे में आ जाता है। चोर का बेटा, डाकू का बेटा, झूठ बोलने वाले का बेटा, तो झूठ ही बोलेगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो सिद्धांतों पर चलती है, दिखावा कम करती है। ये हमारे लोगों की कमी है, गलती है कि बहुत काम किया इस देश के अंदर, बहुत काम किया। अशोक गहलोत जी ने भी राजस्थान में बहुत काम किया,
काम किया, मगर उसका प्रचार यंत्रणा हम लोगों ने नहीं किया, उसका पोस्टर बैनर ये सब हरकतें नहीं की कि कांग्रेस इस बात में विश्वास रखती थी कि गरीब की घर में रोटी पक रही है ना, उसे रोजगार मिल रहा है ना, तो ये हमारे साथ रहे। मगर ये भूल गई कांग्रेस के भाई, अभी नौजवान तबका जो आ गया है, नौजवान को लगता है कि तुरंत पैसा कमा गया। अभी आपको भी अनुभव हुआ होगा कि आपके भी गांव से आप चार बच्चों को लाते हो, काम पे रखते हो, छह महीने के बाद तो पता लगता है कि दूसरे की दुकान में पहुंच गया। क्यों? तो खाली 100 रुपए की तनख्वाह ज्यादा मिल रही है। दूसरे 6 महीने में पता लगता है कि दूसरे शहर में पहुंच गया, वहां 500 रुपए ज्यादा मिल रहा। तो ये जो नौजवान तबके को बहुत ही तुरंत, जिसको कहते हैं फास्ट फूड का कल्चर जो आ गया है, जैसा अभी अभी यहाँ बात हो रही है, तो अभी भाई ने जो यहाँ बात करी, अभी रानीवाड़ा में पहुंच गई है। वहां के विधायक जी को पता लग गया कि उनकी दुकान लंबी हो गई है। या हमने ये काल भी देखा है रतन जी, कि जब राजस्थान में जो सत्ताधारी पक्ष रहता है उसका जब वातावरण बिगड़ता है तो यहाँ की सभा में लोग ज्यादा रहते हैं, यहाँ की सभा में लोग ज्यादा रहते हैं। ये मुंबई के अंदर, मुंबई में, बैंगलोर में, मद्रास में, चेन्नई में, हर जगह व्यापारी जो है आप लोग पहुंचे हुए हैं, और आप लोग अच्छी तरह से पूरे माहौल को जानते हो। राजस्थान में क्या हुआ है, महारानी जी ने क्या किया है, वो आप लोग भली भांति जानते हो। किस पे अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, किसका मर्डर करवा दिया गया, ये भी आप लोग जानते हो। मैं किसी के नाम लेकर के किसी के संदर्भ में कहना नहीं चाहता। तो जो अन्याय और अत्याचार पिछले 5 सालों में केंद्र में हुआ है, राज्य में हुआ है, आपके हमारे इस मीरा भयंदर में हो रहा है, इस बात से आप भली भांति जानते हो। लोकतंत्र के अंदर सब में बड़ी ताकत जो होती है वो लॉ एंड जुडिशरी नहीं होती, मुख्यमंत्री नहीं होता है, वो जनता की आवाज होती है, आपका एक मत होता है, आपका एक वोट होता है। लोकतंत्र की ये ताकत है। आप देखो अमेरिका देखो, यूरोप देखो, दुनिया भर के देश देखो जो बहुत ही विकसित है, मगर लोकतंत्र की वो ताकत नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, मगर आपके हमारे देश में गरीब तबका है, गरीब वर्ग है, किसान है, अनपढ़ तबका ज्यादा है। गांव के अंदर हाईएस्ट वोटिंग होती है कि नहीं? सब में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कहां होता है? गांव में होता है। क्यों होता है? तो गरीब किसान अपने मत के अधिकार पर, उसकी शक्ति को, ताकत को जानता है। शहरों के अंदर नहीं होता है। आप और हम अपनी रोजी रोटी में भटके रहते हैं, पोस्टर बैनर जो दिख जाता है, जातिवाद के ऊपर हम चले जाते हैं, अपना जात बिरादरी का है, धर्म का है। मुंबई में आकर के रहते हैं तो अपने को आपको लगता है कि भैया यहाँ पे अपने गांव वाला है, चलो जो बोलेगा ठीक है, अपना गांव वाला तो है, ये भावना होती। मगर गांव के अंदर, ग्रामीण भाग के अंदर, उस आदमी की जिंदगी सरकार की हर योजना के साथ जुड़ी हुई होती है। एक छोटी सी सड़क अगर नहीं बनी हो, खेत में जाने का रास्ता ना हो, खेत में जाने के नहर नहीं बनी हो, खेत में के लिए पानी नहीं छूटा हो, पीने के लिए पानी की क्या व्यवस्था है, वो आप लोग भली भांति जानते हो। टीवी में न्यूज आती है, हम देखते हैं, आज भी राजस्थान के कई इलाकों के अंदर दो दो दिन तक के महिलाएं जाती है, एक दिन जाती है, एक घंटा पानी जाती है। ये हालात, ये परिस्थिति है। तो ये गरीब आदमी किसान सब जानता है, और इस हालात को, इस देश को जो कुछ भी दिया है कांग्रेस ने दिया। ये कहते हैं कि भाई 70 साल में क्या दिया, तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि भाई 70 साल में कांग्रेस ने रेलवे बनाई तो चाय का स्टॉल वहां बना, अगर रेलवे नहीं होती तो चाय का ठेला भी नहीं बना होता। मतलब ये मजाकिया बात है, लेकिन हकीकत भी तो यही है। पंडित नेहरू ने क्या किया? अरे पंडित नेहरू ने इस देश के मंदिर बनाए। कौन से मंदिर बनाए? डैम बनाए, जिससे आज के आपके नहरों में, खेतों में पानी आता है। बिजली के केंद्र बनाए, इंडस्ट्रीज बनाए, जिसके लोहे का, पाटे का, कॉपर का, तमाम मेटल के धंधे व्यापार आप करते हो, आयरन ओर्स, इंडस्ट्रीज, माइंस, ये किसने बनाए? अगर ये 70 साल में कांग्रेस ने नहीं बनाया तो ये मोबाइल कहां से आया होगा, ये कंप्यूटर कहां से आया होगा? ये आप ही लोग थे भाजपा वाले जब कहते थे, जब राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि ये कंप्यूटर रोजगार देगा, तो मजाक उड़ाई गई। अरे कंप्यूटर कैसा रोजगार देगा? आज ये छाती तान करके बोलते हैं, देखो हमने इतने कंप्यूटर के पार्क्स बना दिए, इसकी वजह से रोजगार मिल रहा है, तो किसकी देन है? तो ये काम कांग्रेस ने किया है, और आपका समय आ गया है, वक्त आ गया है,
आप भली भांति हर बात को समझते हो, जानते हो, जागरूक नागरिक हो आप लोग कि आपको बढ़ चढ़ करके इस विधानसभा में राजस्थान के आपके हमारे इस भाई रतन देवासी जी को जिताना है। यहां से फोन के ऊपर व्हाट्सएप पे संदेश भेज के नहीं जिताना है, आपको गांव पहुंचना है 3-4 तारीख को। ऐसे नहीं कि 6 तारीख को हम पहुंचेंगे, 7 को अपना घर का एक वोट दे के आएंगे, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आपको 3-4 तारीख को वहां पहुंचना है, अपने घर परिवार संबंधी रिश्ते नाते गांव वालों को जमा करना और पूरी ताकत से रतन जी का आपको साथ देना है। क्योंकि आप जब यहां रहोगे तो आपके घर परिवार का देखरेख कौन करेगा, वहां की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? रतन जी तो करेंगे, और कौन करेगा? रतन जी करेंगे। आप यहां से जब एक फोन लगाओगे तो रतन जी तुरंत वहां पे आपके घर में मौजूद आपको मिलेंगे। 15 सालों से देखा है आपने, तभी आपने वोट दिया है। हार जीत तो ठीक है चलती है, एक वोट से भी आदमी हारता है जीतता है, मगर उसके बावजूद क्षेत्र के अंदर लगे हुए रहना और जनता की समस्याओं का समाधान करना, आपको कहीं ना कहीं उस बात का विश्वास है और इसीलिए छोटे से समय में आप लोग यहाँ इकट्ठित हुए, संगठित हुए कि रतन जी जीतेंगे तो हमारा घर परिवार, हमारे खेत खलिहान वहां पे सुरक्षित रहेगी, हमारे समस्याओं का समाधान होगा, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, उस विधानसभा क्षेत्र का जो है वहां पे समस्याओं का समाधान होगा। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबा समय आपसे बात करने की जरूरत नहीं, आप सब खुद ही समझदार हैं, आपके हाथ में तराजू है, एक तरफ लोखंड है, एक तरफ आपका वोट है, आपको अच्छे से पता है कि आपको करना क्या है। आपका एक मत जो है राजस्थान की सरकार बदलने वाला है और बड़ी ताकत से बदलने वाला है। मैं आपको बताते चलूं कि 140 सीट से कम कांग्रेस की आने नहीं वाली है। आपने टीवी में कल परसों देखा होगा अमित शाह जी की कहीं पर सभा हो रही थी, किसी चैनल पे एबीपी पे शायद दिखा रहा था, पूरा मजमा खाली था, छत्तीसगढ़ का था, मध्य प्रदेश का था, मतलब मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हालात इनकी बहुत खराब है। और इसीलिए ऐसे समय में जब जब इलेक्शन आता है तो राम जी याद आते हैं। अब राम जी भी कहां से साथ देंगे, आपने इतने साल से उनको बाहर बिठा के रख दिया, उनका मंदिर बनाते नहीं हो, सरकार आपकी है, बोलते कांग्रेस नहीं बनाने देते, और फिर कभी बोलते कांग्रेस का तो विधान पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर भी नहीं है, उनके पास तो सीट भी नहीं है, उनके पास तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। तो लोग सब बात को समझते हैं, लोग इस बात को समझते हैं, जातिवाद धर्मवाद अब जनता ने ठुकरा दिया है। इस देश की जनता चाहती है कि भाई विकास हो और सर्वधर्म समभाव की बात हो। आप सब लोगों को पहुंच के कांग्रेस के इस हमारे नौजवान साथीदार को जिताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।